किसी भी एक्टर से जिस दिन आप पूछेंगे कि उन्हें अदाकारी का चाव चस्का किससे लगा, ये एक्टर बनने का ख्वाब उन्हें किसने दिखाया, या फिर ये सपना उन्हें किस स्टार को बड़े पर्दे पर देख कर आया, तो वो बदले में आपको जरूर उस शख्स का नाम बताएंगे जिसे देख उनके अंदर भी एक्टिंग फील्ड में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उतरने का बीज पनपा था। कुछ इसी तरह का खुलासा किया है आप सभी के नाचे पतर की जैसे बम्पर धांसू हिट सॉन्ग देने वाले स्टार अरविंद अकेला कल्लू ने भी, जिन्होंने अपने रिसेंट यानी कि हाल फिलहाल के इंटरव्यू में बताया है कि एक सिंगर से एक्टर बनने का सपना उनकी आंखों ने किन भोजपुरी स्टार्स को देखकर देखा था। कल्लू कहते हैं, मैं हर हर गंगे फिल्म से पहले भी पवन भैया के साथ काम किया है, मेरी फिल्मी करियर की शुरुआत ही उनके साथ हुई थी, मेरी फिल्म थी उनके साथ गठबंधन प्यार के, मेरा सपना था और मेरा क्या किसी का भी सपना होता है कि वो फिल्मों में एक्टिंग करे, उसे काम मिले। ठीक वैसे ही जब मैं सिनेमा हॉल में जाया करता था अपने माता पिता के साथ, तो माननीय सांसद एक्टर भोजपुरी के नायक मनोज तिवारी जी की फिल्म देखता था, सुपरस्टार मेगास्टार रवि किशन की फिल्म देखता था, दिनेश भैया की फिल्म देखता था, पवन भैया की फिल्में देखता था। उन्हें देखकर ही मेरे मन में और मेरे माता पिता के मन में भी उम्मीद जगी और एक सपना देखा कि शायद हमारा बेटा भी सुपरस्टार बन जाए। मैंने बस यही देखकर अपना करियर आगे बढ़ाया और आज देखिए कहाँ हूँ। वैसे भी भोजपुरी में हर सिंगर एक एक्टर भी है, तो मैं भी इसलिए आया। सुना आपने कि कल्लू जो कि आज की यूथ के आइकन है, लोग उन्हें अपना सुपरस्टार मानते हैं, वो सुपरस्टार किन महारथियों को देखकर बने हैं? बता दें कि कल्लू का नाम आप देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब जाना पहचाने लगा है, और तो और जिस कम वक्त में एक्टर अपने एल्बम से एक बड़ा बदलाव इंडस्ट्री में ला रहे हैं, उसे लाने में दूसरे स्टार्स को सालों लग गए। लोग मूवीज या वेब सीरीज में वर्जन लाते हैं, मगर कल्लू एक अकेले ऐसे स्टार हैं जो अपने एल्बम से अलग अलग वर्जन लाकर एक नया बदलाव ही क्रिएट कर रहे हैं। हमारा इशारा है एक्टर सिंगर का सॉन्ग नाचे पतर की से, जो कि चार्ट बस्टर हिट हुआ। उसके बाद कल्लू इसी का दूसरा वर्जन यानी 2.0 वर्जन लेकर आए, जिसने भी रिकॉर्ड्स के नए झंडे फहरा दिए थे। और अब इसी इंटरव्यू में एक्टर ने एक्सक्लूसिवली खुलासा किया है कि वो बहुत जल्द नागिन धुन पर नाचे पतर की 3 और 4 वर्जन यानी पार्ट भी लेकर आने की प्लानिंग कर रहे हैं। कल्लू को पूरी उम्मीद है कि जैसे उनके बाकी दो नाचे पतर की वर्जन को लोगों से प्यार मिला, सपोर्ट मिला और वो 100 से 200 मिलियन क्लब का हिस्सा बने, ठीक वैसे ही जब वो इसका 3 और 4 वर्जन लेकर आएंगे तो वो 300 मिलियन क्लब में शामिल होकर एक नया इतिहास ही बनाएंगे। फिलहाल एक्टर का नाचे पतर की का नया वर्जन कब तक आता है ये देखना मजेदार होगा। और उन्होंने जो अपने एक्टिंग करियर को लेकर खुलासा किया है, उस बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, जरूर बताइएगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।